सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के सातवें पेपर अंग्रेजी विषय के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर सभी को सॉल्व करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इसमें से कौन सा वो मेथड है इसको हम क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कहते हैं, जो सबसे पुराना मेथड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसको हम क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्टेड बाई, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था ये दोस्तों? तो राइट आंसर है एच ई पाल्मर के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनंसिएशन स्किल या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है आप सभी को पता है, इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के भावों को विचारों को सुनते हैं और अपने भी भावों विचारों को उनके सामने प्रकट करते हैं। तो इससे जो हमारी प्रोनंसिएशन स्किल होती है, जो हमारी बोलने की स्किल होती है वो और अच्छी होती है और जितने भी शब्द है उनका उच्चारण हम सही प्रकार से करते हैं। तो ऑप्शन थ्री जो है प्रोनंसिएशन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, डिफर का एडजेक्टिव क्या? तो डिफर का जो एडजेक्टिव है वो है डिफरेंट, ऑप्शन वन जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या फिर राइटिंग। तो सबसे पहले हम किसी भाषा को, आपको पता ही है किसी भाषा को सीखने की जो चार दक्षताएं होती हैं, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुबो यानी कि सुनना, लिसनिंग सबसे पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने सारे वो विकल्पी क्वेश्चन कर लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन वी आर डैश द वे टू योर होम। तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर ऑन द वे टू योर होम, यानी कि हम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं, रास्ते में हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। तो इसका हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फेल। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डज एवरीबडी विश टू बी हैप्पी, बस इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसके आगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है, तो सारा सेंटेंस लिखने के बाद इंट्रोगेटिव चिन्ह को लगाना आपको नहीं भूलना, ये सिंबल रहना चाहिए, ठीक है। डज एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस आई ड्रा ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसको हमें पास्ट इंडिफिनिट में टेंस, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, बस ये हो जाएगा जो ड्रा है इसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। तो आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग, बस हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन है राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। दोस्तों इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन द सेम वे एज दे लर्न मदर टंग, यानी कि इसमें बच्चे वैसे ही इंग्लिश पढ़ते हैं जैसे वे अपनी मदर टंग को पढ़ते हैं, यानी कि वो उसी भाषा में ही इंग्लिश को सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा हो जाएगा इन दिस मेथड द लर्नर एक्वायर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली व्हाट ही हियर्स और रीड्स इन इंग्लिश, यानी कि इसमें टोटल हम क्या करते हैं इंग्लिश में ही सीखते हैं और बच्चे के अंदर एबिलिटी भी आ जाती है कि वो उनको वाक्यों को भी अंडरस्टैंड कर लेता है, शब्दों को अंडरस्टैंड कर लेता है और भाषा को अच्छे से वो पढ़ लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस He lives somewhere. I do not know it. तो इसका हो जाएगा दोस्तों I don't know the place या I do not know the place where he lives. बस ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसके बाद हम आगे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना था, उम्मीद करती हूँ कि आपने एप्लीकेशन लिखा होगा अच्छे से,
किस तरीके से टू द पब्लिशर, और जिस तरीके से आपने स्कूल, जिस तरीके से आप स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखते हो, उसी प्रकार से आपको ये भी एक तरीके से औपचारिक पत्र ही आपको लिखना है, एप्लीकेशन ही देना है, और यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी क्या क्या समस्याएं है उसमें लिखना था, और फिर इस लेटर को आपको उसको पोस्ट करना था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको सिंपली केवल क्या करना था, एक लेटर लिख देना था किसको, एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर को, कि आपके एरिया में किस चीज की समस्या है, वाटर सप्लाई की समस्या है, यहाँ पर वाटर सप्लाई दिया है, जिस भी चीज की समस्या यहाँ पर दिया उसी समस्या के विषय में आपको लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आप बताने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है, खासकर आज के टाइम पे आपको अगर इंग्लिश भाषा आती है तो आप किसी भी देश में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे भी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आजकल कोई भी चीज आप देखोगे तो हर चीज आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, अपने आसपास की जो वातावरण है आपका देखो आप, इंग्लिश में ही आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो इंग्लिश है वो सभी को आना चाहिए, कंपलसरी है, थोड़ा बहुत तो सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, समय के अकॉर्डिंग, आप मोबाइल भी चला रहे हो तो उसमें भी इंग्लिश वाली चीजें ही ज्यादा आ रही हैं, हिंदी वाली नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो इंग्लिश है इसका इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है और आगे भी दोस्तों रहेगा ही, क्योंकि जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उसमें लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन का माध्यम है जिससे लोग कम्युनिकेट करते हैं वो इंग्लिश भाषा ही है, इसीलिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, इसीलिए लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, तो ये हो जाएगा द बॉक्स हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा है क्लोज द डोर एट वंस, तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, फुल स्टॉप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शंस, डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा इफ यू आई एफ, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। इसके बाद है ही स्पीक्स डैश इंग्लिश डैश हिंदी, तो यहाँ पर हो जाएगा ही स्पीक्स वेदर, तो यहाँ पर इस तरीके से ही स्पीक्स वेदर वेदर इंग्लिश और हिंदी, यानी कि या तो वो इंग्लिश में बोलता है या हिंदी में। और एक तरीके से और इसको हम बना सकते हैं, यहाँ पर इनको हम इरेज करके इस तरीके से भी बना सकते हैं, सिंपली ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। आपको पता है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, तो ये भी आप भर सकते थे, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन नंबर 16 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, दोस्तों इसका हो जाएगा सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड द वर्क, फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए ही सेड टू मी यू मे गो, तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड होता है आपको पता है, ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो, आई माइट गो, फुल स्टॉप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, राइट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज, तो प्रोज को पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले टू डेवलप द स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड लव फॉर नेचर ऑब्जेक्ट्स, पहला तो यही हो गया। इसके बाद है टू गिव सर्टेन फैक्ट्स एंड लेसन्स थ्रू द स्टोरी, इसके अलावा टू सेव द स्टूडेंट्स कैरेक्टर, ये सब जो प्रोज है उसको क्यों पढ़ाते हैं स्कूलों में, उसके उद्देश्यों को बता रहे हैं, इस तरीके से आपने देखा। इसके अलावा टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द राइटर्स स्टाइल, तो इतना भी अगर आपने लिख दिया होगा तो आपका सही हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो आप सभी को पता है कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पता है कि इसको हम अपने मदर टंग की सहायता से, यानी कि अपने नेटिव लैंड की सहायता से, जो हमारी मातृभाषा है उसी भाषा की सहायता से हम इस भाषा को सीखते हैं, किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, क्योंकि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उसको हम फॉरेन लैंग्वेज ही कहते हैं। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसकी मदद से हम अपनी मातृभाषा की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम सीखते हैं दोस्तों। तो इसमें फोकस किया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग पर, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इस पर किस इस इसमें हम किस पे फोकस करते हैं, रीडिंग और राइटिंग पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा द प्राइमरी फोकस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज रीडिंग एंड राइटिंग विथ लिटिल और नो सिस्टमेटिक अटेंशन टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है उस पर हमारा जो ध्यान है वो बहुत कम जाता है, हम केवल पढ़ना और लिखना क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को अच्छे से सीख पाते हैं।
इसके अलावा इसमें हम वोकेबुलरी वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि हम बहुत सारे शब्दों की मीनिंग याद करते हैं कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस तरीके से हम वोकेबुलरी तैयार करते हैं जो हमारे बहुत काम आता है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद है यूजेस द सेंटेंसेस एज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। हम पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम अच्छे से सीखते हैं, लर्न करते हैं, ताकि हम सही प्रकार से इंग्लिश भाषा के सेंटेंसेस को बना पाए। द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज द सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द लेसन इन सेंटेंस ट्रांसलेशन फ्रॉम एंड इन टू द टारगेट लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये सब चीजें हम सीखते हैं, किसके माध्यम से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से हम इंग्लिश भाषा को सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का ये वीडियो बहुत आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को मिला भी लिया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके फोर्थ सेमेस्टर के सारे पेपर कैसे हुए आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और दोस्तों आपको सारे के सारे विषयों के सोल्यूशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे के सारे पेपर्स को आप अच्छे से मिला सकते हैं। सारे के सारे विषयों के हमने सोल्यूशन करा दिए हैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर कराते रहेंगे। और अब आपका सारे के सारे पेपर खत्म हो गए आपके फोर्थ सेमेस्टर के। अब आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करनी है। तो आपको पता है कि हमारे चैनल से बेहतर ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो आप सारे के सारे विषयों को पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। और सारे के सारे विषयों की तैयारी ऑलरेडी हमने पहले भी कराई है, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, फिर से हम कराएंगे। बस आप चैनल से बने रहिए और सारे के सारे विषयों को देखते रहिए दोस्तों। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो सारे विषयों को आप देखते रहिएगा और चैनल से बने रहिएगा।